सियाराम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। तो बिगिनर्स सभी लोग लास्ट तक बने रहना, बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो, तो बहुत कुछ सीख पाओगे। तो यहाँ पे हमने जो रेफरेंस फोटो ड्रॉ करने वाले हैं उस रेफरेंस फोटो का, उससे पहले मैं बता दूँ कि ये जो मैंने A4 साइज में ग्रेड ड्रॉ कर लिया है इस A4 साइज पेपर में, तो पेपर है ब्रूस्ट का ग्रेड 10 पेपर, जिसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। तो ग्रिड कैसे ड्रॉ करना है आपको सिंपली वो बता दो। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना ही लिया है ग्रिड, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सीरियल नंबर भी दे दिया है हर एक लाइन के पास, जो है इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने रखा है 15 मिलीमीटर, मतलब 1.5 सेमी, फिर से 1.5 सेमी, 5 सेमी, इस तरह से डॉट डॉट दे दिया है। इसके बाद सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस हमने इस तरफ से भी किया है नीचे से 15 मिलीमीटर करके। उसके बाद इन डॉट्स को जो है इस तरह से, इस डॉट को ऊपर वाले डॉट को नीचे वाले डॉट से पैरेलली इस तरह से जोड़ दिया है, हर एक लाइन को इस तरह से किया है। उसके बाद सेम प्रोसेस हम इस तरफ भी हमने किया है, यहाँ से 1 है तो यह 2, 3, 4, इस तरह से सेम इस तरफ भी हमने दे दिया है 15 से उतना ही 15 मिलीमीटर करके डिस्टेंस देना है। उसके बाद इन डॉट्स को इस तरफ भी करना है, उसके बाद पैरेलल इनको भी इस तरह से जोड़ देना है। तो ये प्रोसेस मैंने कंप्लीट किया, तो ये हमारा ग्रिड इस तरह से कंप्लीट हो गया है। तो हमें इस रेफरेंस पर आउटलाइन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगी। तो लास्ट तक देखते रहो, कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट में बता देना। और जब आप आउटलाइन को ड्रॉ करो, बिल्कुल HB पेंसिल या फिर 2B पेंसिल से ज़्यादा डार्क पेंसिल मत लेना, क्योंकि ये बाद में हमें इरेज भी करना है। और ग्रिड को भी आपको HB पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, ज़्यादा डार्क पेंसिल से लाइन को ड्रॉ करोगे तो वहाँ पर निशान रह जाएगा, अगर आउट ऑफ आपका कंप्लीट होने के बाद भी तो अजीब लगेगा, तो इसलिए आप इस तरह से करना। तो और इस रेफरेंस फोटो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और रेफरेंस फोटो का जो आउटलाइन मैंने ड्रॉ किया है उसका भी फोटो आपको इंस्टाग्राम में हमारे मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो देखते रहो।